हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। यहाँ बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है। एनीवे, ये जो साड़ी अवतार में आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि अभी मैंने शूट किया है, जस्ट अभी अभी शूट खत्म हुआ है साड़ी लुक बुक का, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने बहुत सारी साड़ी ट्राई किया। ये देखिए, ये हो गया है बिस्तर के हाल। बहुत सारी साड़ी मैंने ट्राई किया, एक के बाद एक, और मैं बहुत थक गई हूँ। साड़ी लुकबुक पहले जाएगा, ये व्लॉग उसके बाद में जाएगा। एनीवे, अभी चल रहा है लॉकडाउन, ये तो आपको पता ही है। साथ साथ और कुछ अपडेट है, जो कि है उम्फुन, जो स्टॉर्म है बहुत बड़ा, उम्फुन और अम्फान जो भी है, बहुत नुकसान हुआ। बंगाल का बहुत नुकसान हुआ, हमारा भी केले का पेड़ टूट गया, बहुत आम गिर गया, और ऊपर से आपके घर पे परेशानियां मचा रखी है और आप महाराष्ट्र में फंसे हुए हो। आप घर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर कार बुक करके भी आप घर जाने की सोच रहे हो ना, तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई मत आओ। अब आप क्या बोलोगे ऐसे हालात में, आप क्या बोलोगे? तुम लोग आ रहे हो इसलिए हमें डर लग रहा है, तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। वो भी उसके बाद 12 दिन के बाद भी बाजार में जाओगे ना, तो लोग उंगलियां कर रहे हैं कि हमारे उधर बेंगलोर से एक आदमी गए हैं, तो उनको बोल रहे हैं भाई इसके शरीर में ना कोरोना लगा हुआ है, गोल गोल वाला। तो भाई अगर हमें भी कोई ऐसा बोले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और ऐसा कोई हेल्प करने वाला भी उधर इतना है नहीं। बहुत भयानक सिचुएशन है, और यहाँ पे भी पुणे में तो आसपास ही कोरोना पेशेंट है हमारा, तो जय माता जी करके जी रहे। एनीवे, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज का व्लॉग जैसा व्लॉग होता है वैसा ही होगा, बट एक चीज मैं शेयर करूंगी, वो है मेरी कैमरा बाइंग स्टोरी। तो मैंने जो कैमरा लिया था अपनी सारी सेविंग्स जमा करके, मैं कैमरा लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल भी मुझे रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई ये कैमरा लेके। आपको भी कैमरा परचेज करते टाइम क्या चीजें सोचनी है, माइंड सेटअप करना है, वो मैं दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करूंगी इस व्लॉग में कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स है, मतलब टेक्निकल इक्विपमेंट्स, कैमरा, ट्राइपॉड्स, माइक एंड ऑल सब है मेरे पास। तो मैं क्या क्या है और कितने प्राइस के अंदर है वो मैं दिखाऊंगी। अगर आप ब्लॉगर हो, नहीं भी हो, तो भी ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एनीवे, अभी मुझे सारा मेस जो मचा रखा है वो साफ करना है। वैसे तो लाइफ अपडेट, एज अ लाइफ अपडेट, बहुत प्रेशर चल रहा है। एक तो है ऑफिस का काम की प्रेशर, क्योंकि भाई पैसे नहीं मिलेंगे अगर नहीं करूंगी तो, और दूसरा है कि यूट्यूब का काम का प्रेशर, क्योंकि घर पे है तब भी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, नहीं अभी करना है, और यूट्यूब से अभी तक तो मुझे कोई पैसे मिलते नहीं है। तो ये है पैशन का प्रेशर, तो दोनों प्रेशर मिला के प्रेशर कुकर हो गया है, और ये प्रेशर कुकर के साथ ही बनना चाहती हो तो बने रहो। अम्फन के जाने के बाद मैं सोच रही थी, अच्छा है मुंबई पुणे में तो कुछ नहीं आया है, लेकिन मैं जब सोच रही थी ना सुकून से बैठ के, उसके 2 दिन बाद ही आ गया यहाँ पे निसर्ग महाप्रलय। कैसा था निसर्ग देखना चाहते हो? दिन देख लो। गाइज, अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेसिपी। ये आजकल कोई इतना बनाता नहीं है इतना तकलीफ उठा के। इसको बोलते हैं वड़ी, ये दाल से बनता है, दाल को पीस के फिर फैट के इसको इस तरीके से बनाते हैं, सब्जी में हम खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन आजकल के आत्मनिर्भर युग में देखो कैसे फ़ोन पर बात करते करते लोग इतनी हार्ड रेसिपी बना देते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है मेरी वीडियो इक्विपमेंट्स एंड डीएसएलआर बाइंग। गाइस, डीएसएलआर बाइंग करने के लिए आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक है आपकी बजट और दूसरी है आपकी रिक्वायरमेंट। तो इस सब से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका सोच हो जाता है बहुत ज्यादा आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डीएसएलआर के बारे में जानते हो देन इट्स एब्सोल्युटली ओके, आपको पता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए होता है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो है तीन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको डीएसएलआर चॉइस करना है। एक है कि ओनली शॉक, यू आर वेरी बिगिनर, आपको कहीं घूमने जाना है एंड यू आर अ कैरी अ डीएसएलआर, दैट्स इट, आपको बस फोटोग्राफी करना है, छोटे मोटे वीडियोस, दैट्स इट। तो ये मामले में आपको बहुत बेसिक लेवल के डीएसएलआर चुननी होती है, और
और आपने प्राइस भी अच्छे अच्छे खासे अराउंड 30,000 आपको आराम से अच्छे खासे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट आपको ध्यान में देनी होती है वो है फोटोग्राफी। इस मामले में आपको चुनना है कि आप ओनली फोटोग्राफी के लिए दे रहे हो, लाइक आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, बेसिक लेवल की फोटोग्राफी एडिटिंग सीखना चाहते हो, देन आप ओनली फोकस करते हैं फोटोग्राफी के, उस हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा। थर्ड है वीडियोग्राफी, वीडियो और व्लॉग और यूट्यूब जो भी है आपका सपना, उस हिसाब से आपको चुनना है। तो इस हिसाब से मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये है मेरा DSLR कैनन 200D। मैं सोचा था मैं निकॉन के DSLR लूंगी, लेकिन मैंने जब देखा एनालिसिस किया पता चला कि कैनन के जो DSLR से वो वीडियो के लिए ज्यादा अच्छा है। और ये जो 200D मेरा वाला जो DSLR है 11 फोकस पॉइंट्स है, ऑटो फोकस है, और साथ साथ ये फोकस लेते वक्त कोई भी आवाजें नहीं निकालती है, और ये बजट फ्रेंडली है, और सबसे ज्यादा अच्छी बात इतने कम प्राइस में फ्लिप स्क्रीन वाला DSLR मिलना थोड़ा मुश्किल है। जो DSLR है ये फ्लिप स्क्रीन के साथ है, इसलिए काफी ज्यादा हैंडी है वीडियो शूट करने में भी। और ये जो DSLR है वीडियो के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, साथ साथ ये फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट ऑफकोर्स अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हो या फिर ओनली फोटोग्राफी आपकी पैशन है, तो आपको लेना है बहुत बड़ा वाला लेंस जो कि 1855 लेवल का ऊपर है, और मुझे जो प्राइस पड़ा है वो है 39,000। अगर आप ओनली फोटोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो बेसिक लेवल की DSLR आपको और भी कम प्राइस में मिल जाएगा, और अगर आप और भी ज्यादा हाई लेवल के लेना चाहते हो नेचर फोटोग्राफी एंड ऑल, या फिर आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन आप इसके ऊपर जा सकते हो जो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। और अगर आप व्लॉग शूट करना चाहते हो, DSLR आपको हाथ में बहुत हैवी फील होता है, देन आपको मिररलेस में जाना पड़ेगा। मिररलेस कैमरा जो कि फ्लिप स्क्रीन के साथ भी आता है, और मिररलेस कैमरा का थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, इसे मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे 40,000 से ऊपर मेरे लिए ज्यादा बजट हो रहा था, मेरे बजट के बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने 40,000 तक रुक गई, 39,000 पड़ा मेरा DSLR। आपका बजट ज्यादा है और आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाहते हो देन, और छोटा कैमरा पकड़ना आपको अच्छा लगता है, देन यू कैन गो फॉर मिररलेस कैमरा जैसा कि ये। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है एडियो में वीडियो शूट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा DSLR कैनन 200D। नेक्स्ट मेरे पास एक और छोटू सा कैमरा है जो मैंने एकदम शुरू में लिया था जब मैंने नए नए चैनल स्टार्ट किया था, तो ये है निकॉन कूलपिक्स। या इसका डिजिटल कैमरा छोटा वाला है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। अगर आप एकदम बेसिक लेवल के हैं और आप डे लाइट पे शूट कर सकते हो, क्योंकि ये नाइट लाइट पे मतलब घर की लाइट में इतना अच्छा शूट नहीं कर पाता है अनलेस यू हैव अ गुड लाइट सेटअप, बट अगर आप इतना लाइट सेटअप कर सकते हो देन ऑफ कोर्स DSLR भी परचेस कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास पैसे कम है, बजट कम है, देन यू विल गो फॉर दिस वन, बट ऑफकोर्स आपको शूट करना पड़ेगा डे लाइट में। ये फोटो भी अच्छा ले लेता है, और अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, लाइक वेरी गुड ऑप्शन। और इसके साथ चार्जर आता है। थर्ड मेरा वीडियो बनाने का इक्विपमेंट है फोन। ये मेरा फोन ऑनर रेडएक्स। सो ये जो फोन है इसमें मैं एडिटिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, बट वो वाला लैपटॉप ऑफिस का लैपटॉप है, और ये महाशय में कुछ नहीं होता, आई मीन ऑफिस का लैपटॉप है, इसलिए इसमें ओनली अब वीडियो एडिटिंग फाइनल हो जाने के बाद देख सकते हो कि क्या एडिटिंग हुआ नहीं, क्योंकि इसमें आप इनपुट दे सकते हो लेकिन इससे कुछ चीजें आप नहीं ले सकते। मैं कभी कभी वीडियो कैसा आया है बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज सारी एडिटिंग मैं अपनी फोन में करती हूँ। और ये है मेरा ट्राइपॉड जो मैं वीडियो बनाने के लिए यूज करती हूँ, जस्ट अ बेसिक ट्राइपॉड एंड अ बेसिक क्लिप, ओके, ट्राइपॉड होल्डर, मोबाइल होल्डर। और ये है मेरा माइक, ये छोटू सा कॉलर माइक है, लेकिन मेरा DSLR के बेस्ट पार्ट है कि इसमें जो इनबिल्ट माइक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। राइट नाउ मैंने कोई कॉलर माइक नहीं लगा के रखा है क्योंकि इस DSLR का इनबिल्ट माइक बहुत ज्यादा अच्छा है। वॉइस ओवर करते वक्त मैं ये माइक यूज करती हूँ, इसमें इतना कुछ प्राइसी माइक नहीं है, 250-300 में आपको मिल जाएगा अमेजोन में, मैंने भी वहां से लिया था, और लेकिन इसमें नॉइज नहीं आता है, मतलब अच्छा खासा आवाज आता है, दैट्स इट। और अपलोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, उसके लिए आइदर मोबाइल इंटरनेट नहीं तो ये JioFi। इसमें सारी चीजें आ जाता है ये बैग में, DSLR के साथ ये बैग आता है, DSLR के साथ ये मुझे चार्जर मिला था, दैट्स इट। यही सारे इक्विपमेंट्स है मेरे पास जिसमें मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। और आज शायद 14 डेज हो गया मैं बाहर नहीं गई, नीचे कदम नहीं रखी। बाहर नहीं जा रही हूँ तो क्या, घर पे ही कर रही हूँ एक अनोखा काम जो कि है एक बेडशीट बनाना, मतलब एक बेडशीट को पेंटिंग करना। ज्यादा कुछ नहीं है, बस व्हाइट बेडशीट खरीद लो, अपनी मन चाहे डिजाइन बना लो, और खरीद लो ढेर सारे फैब्रिक कलर, या फिर 2-3 कलर में भी काम चल जाएगा, और मन पसंद डिजाइन का नक्शा बना लो और अच्छे से उसको कलर भरो,
एंड यू गेट दिस ब्यूटिफुल एलिगेंट बेडशीट, DIY बेडशीट, जो कि आप किसी को दिखा सकते हो और पा सकते हो बहुत सारा लाइक्स इंस्टाग्राम पे। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। Just look at this bedsheet, how elegant it has made the whole room. Oh my god, this is amazing. I love it. So guys, ये है final look. मुझे almost 7 days लगा. मैं रोज नहीं करती थी क्योंकि ऑफिस का काम था, यूट्यूब का काम था, इसलिए मैं रोज नहीं बैठ पाती थी. बट 7 days तक मैंने जब भी मुझे टाइम मिला मैं बैठी और इतना अच्छा फाइनल आउटकम आप देख सकते हो, देख के ही सोने का मन करता है ना। Let me know in the comment section how much you love this bedsheet. I am in love with this touch wood. उठका है। Anyway, आज का ब्लॉग को यही पे खत्म करते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू मी। Don't forget to like, share and subscribe my channel. I will meet you in my next video. Bye guys.